हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूंगा कि आप सब अच्छे हैं। आज मैं आपको दुबई से जुड़े कुछ दिलचस्प फैक्ट से रूबरू कराने जा रहा हूं। वैसे तो साल 2000 से पहले दुबई को लोग कच्चे तेल की रिसोर्सेज के वजह से जानते थे, लेकिन करीब 20 साल बाद दुबई दुनिया के सबसे सुंदर शहरों में से एक है। दुबई की ऊँची इमारतें, दौलत शोहरत, सख्त कानून आदि सब कुछ दुनिया भर में मशहूर है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के करते हैं शुरू दुबई के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। नंबर 19, सबसे पहले बात करते ही दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा की, जिसमें 164 फ्लोर और इस इमारत की लंबाई लगभग 800 मीटर है। इस इमारत को हम 90 किलोमीटर दूर से भी देख सकते हैं और यह इमारत दुनिया की सबसे ऊँची इमारत है जो दुबई में है। नंबर 18, क्या आपको पता है कि दुबई दुनिया का एक लौता देश है जिसमें क्राइम रेट 0% है। जी हाँ, इस शहर में क्राइम रेट 0% है, तभी इसे दुनिया का सबसे सुरक्षित देश माना जाता है। नंबर 17, क्या आपको पता है कि इस शहर में घर में शराब रखने के लिए लाइसेंस लेना जरूरी होता है। लाइसेंस के बिना घर में शराब पीने की इजाज़त नहीं होती है। अगर आप बिना लाइसेंस के शराब पीते हैं और पकड़े जाते हैं तो यहाँ का कानून, जो कि शरिया कानून है, उसके मुताबिक आपको बहुत ज़्यादा जुर्माना और सज़ा दोनों ही हो सकता है। नंबर 16, लैम्बोर्गिनी फरारी जैसी गाड़ियाँ लोगों का सपना होता है, लेकिन दुनिया का एक लौता देश दुबई है जहाँ की पुलिस के पास लैम्बोर्गिनी फरारी बेंटले जैसी कारें होती है। नंबर 15, दुनिया भर के देशों में लोगों को इनकम टैक्स भरना पड़ता है, वरना उन्हें जुर्माना और सज़ा दोनों होती है, लेकिन दुबई में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ लोगों को इनकम टैक्स देने की ज़रूरत ही नहीं है। नंबर 14, क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल कहाँ पे स्थित है। जी हाँ, वह दुबई में है। इस शहर में दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग सेंटर है जहाँ 1200 से ज़्यादा स्टोर उपलब्ध है। नंबर 13, क्या आपको पता है कि शादी से पहले दुबई में एक साथ रहना, घूमना फिरना आदि पर बैन है। यहाँ पर शादी से पहले महिला पुरुष का संबंध बनाना अवैध है। कोई ऐसा करते हुए पकड़े जाते हैं तो गिरफ्तार करने के बाद निर्वासित किया जाता है। नंबर 12, क्या आपने कभी देखा है कि एटीएम से सोना निकलता है। जी हाँ, इस शहर में कुछ ऐसे एटीएम हैं जो सोने के सिक्के निकालते हैं, जो कि दुनिया का एक लौता एटीएम है दुबई में। नंबर 11, 1960 तक यहाँ कुछ देखने लायक था ही नहीं। असल में रेत और बंजर जमीन के अलावा दुबई में कुछ था ही नहीं। नंबर 10, पेट्स के तौर पर लोग कुत्ते बिल्ली आदि को पालते हैं, लेकिन दुनिया का एक लौता देश दुबई एक ऐसा देश है जहाँ पर लोग पेट्स के तौर पर कुत्ते बिल्ली नहीं बल्कि शेर और चीता पालना पसंद करते हैं। नंबर 9, दुबई में इतनी गर्मी होती है कि यहाँ इमारतों के अंदर ही नहीं बल्कि बस स्टैंड आदि स्पेसों में भी एसी लगा होता है। 8, यहाँ के मूल निवासियों की संख्या कुल संख्या के केवल 17% ही है, बाकी जनसंख्या भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अन्य यूरोपीय देशों की है जो कि यहाँ काम करने के लिए लोग आते हैं। नंबर 7, क्या बता सकते हैं दुनिया की सबसे महंगी कारें किस देश में मिलती है। दुनिया की सबसे महंगी कारें दुबई में ही होती है और यह कारें इतनी महंगी होती है कि उनके ऊपर सोने की परत चढ़ाया जाता है और अलग अलग तरीके के डिजाइन किया जाता है। 6, इस शहर में हॉर्न नहीं बजाया जाता है, सब लोग यहाँ के ट्रैफिक नियम का अच्छे से पालन करते हैं, इसलिए दुबई की सड़कों पर ध्वनि प्रदूषण नहीं होता है। 5, इस शहर में बाकी देशों की तरह एड्रेस सिस्टम नहीं होता है, किसी को भी एड्रेस पर जाना होता है, वहाँ के आसपास के मकान, होटल्स, अन्य प्लेसेस की जानकारी होनी चाहिए। 4, सबसे बड़ी क्रेन जो कि दुबई में ही है। दुबई बहुत तेजी से विकसित होने वाला शहर बन चुका है। दुबई टूरिज्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है, इसी वजह से दुबई नए नए आर्किटेक्ट बिल्डिंग डिजाइन कर रहा है। इसी वजह से दुनिया की सारी बड़ी क्रेनें दुबई में ही मौजूद है। 3, क्या आपको बताया कि यहाँ पर पुरुषों के लिए शेख और औरतों के लिए शेखा का नाम लिया जाता है।
नंबर दो, यहाँ पर पानी से ज़्यादा सस्ती तो कोल्ड ड्रिंक मिलती है, क्योंकि दुबई एक रेगिस्तान वाला शहर है। इसी वजह से यहाँ पे पानी इतना महंगा है कि उससे सस्ता कोल्ड ड्रिंक ही मिल जाता है। वन, और क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा सोने का मार्केट कहाँ पर है? वो दुबई में स्थित है। दुबई में सोने का व्यापार बहुत ज़्यादा होता है। दुबई के लोगों को सोने का बहुत ज़्यादा शौक है, इसी वजह से दुबई के लोग सोने के बहुत ज़्यादा शौकीन होने के कारण यहाँ पर बहुत बड़े बड़े सोने के मार्केट हैं, जो कि दूसरे देशों से हालांकि सस्ते मिल जाते हैं। तो हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल में अगर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।